हेलो गाइस, आज हमारे पास है एक्सेल 100 हैवी ब्यूटी। जिस एक्सेल 100 में जो कि करंट नहीं आ रहा, जो कि हमारे पास दूसरे मैकेनिक से होके आई है, जो कि इसमें करंट नहीं आ रहा, जो कि आपको बताऊंगा। इसमें करंट ना आए तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होगी और मिस्त्री कहां पर फेल हुआ वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोसेस आपको मैं चेक करके दिखाता हूं। अगर आपके पास करंट नहीं आ रहा तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये बता दें, यहाँ से आइए, बिलासपुर से आइए। बिलासपुर हमसे 30-40 किलोमीटर रहता है, वहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो उसमें करंट नहीं आ रहा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको करंट ना आए तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी, ठीक है। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें करंट नहीं आ रहा। यहाँ पर चाबी ऑन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर सब कुछ ऑन करके रखा हुआ है, बैटरी वाली कनेक्शन ठीक है। पहले यहाँ पर आपको मैं करंट चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कपलर लगा हुआ है, हमारी चाबी ऑन है, किक मारता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बिल्कुल करंट नहीं आ रहा। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ निकाल का तार को। यहाँ से आपको एसटी वाल की तार निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर करंट आ रहा है हमारा, ये देखिए। तो यहाँ से यहाँ पर करंट आ रहा, पर इससे आगे नहीं आ रहा, जो कि मैकेनिक ने इसमें एसटी वाल भी नमी डाल दी तो भी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट नहीं निकला। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम अगर आपके पास ऐसी आती है जिसमें करंट नहीं आ रहा, आपको किस तरह से चेक करना होगा प्रोसेस के साथ। तो आप मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो आप सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, कोई आपको मल्टीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास है, ठीक है। तो आप प्रोसेस यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है, ठीक है। पहले मैं आपको सीधा आपको सिंपल बताऊं तो पहले हमें कुछ भी चेक नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको पिकअप कॉइल चेक करनी होगी। पिकअप कॉइल आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर हमारे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए पिकअप कॉइल में, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 200 ओम पर, मल्टीमीटर में चेक करेंगे 200 ओम पर रखा हुआ मल्टीमीटर, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है एक्सेल 100 में करंट की प्रॉब्लम, तो आपको कहीं से भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिकअप कॉइल को यहाँ से इसका कपड़ा निकालता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें चेक करता हूँ। यहाँ पर बात करूँ पिकअप कॉइल की, तो यहाँ पर 160 के करीब होना चाहिए मल्टीमीटर में हमारी रीडिंग, ठीक है। 160-140 इतनी रीडिंग होनी चाहिए, 160 से ज़्यादा ऊपर है तो आपकी पिकअप कॉइल ख़राब है, ठीक है। लेकिन अभी हमारी ये पिकअप कॉइल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं पिकअप कॉइल में, तो पिकअप हमारी ओके होगी, ठीक है। हमारी पिकअप कॉइल ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम इसका ISC कैसे चेक करेंगे, ठीक है। उसे भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह चेक करना है, ठीक है। ISC चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर 220K पे रखना, 20 पे रखना होगा। यहाँ पर आपको करंट चेक करते हैं मीटर का, यहाँ पर आपको रखना होगा। और यहाँ पर आपको ब्लैक वाइट लाल तार में आपको करंट चेक करना होगा और पीली तार में आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह चेक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो लाल और पीली में आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर आपको करंट RPM बढ़नी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए इस तरह से आपके RPM बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी करंट की कॉइलें दो तारे ठीक है, कॉइल भी हमारी ठीक है। दूसरे में आपको चेक करना होगा, जैसे मैं पीली वाली तार लाल वाली तार में निकाल कर अब पीली वाली में लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्लैक और पीली वाली तारों में दोनों में लगा दी मैंने। अब इसमें भी आपको मीटर में चेक करना होता है, जैसे ये देखिए ये आपका आना चाहिए, इस तरह से चल होनी चाहिए आपकी, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी कॉइल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया हमारी पिकअप कॉइल और हमारी जो मैग्नेट कॉइल है ISG बोलते हैं इसको, ISC जो हमारे इसमें विदाउट सेल्फ है वो भी हमारी ठीक है, इसमें हॉल सेंसर लगा होता है, ठीक है। उसमें सब कुछ हमारी ओके है, तो भी हमारा करंट क्यों नहीं आ रहा तो आपको बताता हूँ आगे, अब आपको क्या चेक करना होगा, ठीक है। तो पहले सबसे बात करूँ तो इसमें से हमारा सीधा वोल्टेज आता है बैटरी का, सीधा हमारा ECU में जाता है, जो कि यहाँ से सीधा जाता है यहाँ पर हमारे
इसको ICC को घुमाता, फिर यहीं से जाकर हमारी बैटरी को चार्ज करने लग जाता बाइक, ये वाली कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, यहाँ पर आपको मैं चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर करंट आना चाहिए, 15 एम्पीयर का फ्यूज है, 10 एम्पीयर का फ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर हमारा करंट आना चाहिए, चाबी ऑन करने पर यहाँ पर करंट आना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे इसमें करंट, तो सब कुछ ठीक होने के बाद यहाँ पर आपको मैं स्टिक वाल भी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि स्टिक वाल हमारी ठीक है कि नहीं। तो स्टिक वाल चेक करने के लिए आपको पीपे रखना होगा निशान, और एक जो ब्लैक वाली तार है यहाँ पर रखनी होगी, ठीक है। दूसरी तार हमारी यहाँ पर लगेगी, सॉरी यहाँ पर 20 के भी आपको रखना होगा, 20 के भी रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी वोल्टेज आपकी आनी चाहिए, 13.80, इतनी वोल्टेज अगर आपकी आ रही है तो आपकी पिकअप क्वालिटी ठीक है, 14.5 के इतनी करीब आ रही है तो आपकी ST क्वालिटी ठीक है, सॉरी पिकअप क्वालिटी ST क्वालिटी आपकी ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इसके कपड़े में रख के चेक कर सकते हो, दूसरा यहाँ से भी आप चेक करके रख सकते हो। दूसरे में आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर यहाँ पर भी चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक, ब्लैक भी लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर सेम रीडिंग आपकी दोनों में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी ST क्वाल भी ठीक है, पीको क्वाल भी ठीक है, हमारी मैग्नेट क्वाल भी ठीक है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर, ये हमारी बाइक क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, जो कि इसमें आपको बता दूँ यहाँ पर भी हमारा करंट आ रहा है, ठीक है। आपको मैंने चेक करके दिखा देता हूँ, वैसे देखिए यहाँ पर भी हमारा करंट आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी हमारा करंट आ रहा है। तो इसके बाद आपकी सब चीज़ ठीक है, जो चीज़ मैंने बताई उसके बाद, जो चीज़ आप मैंने बताई उसके बाद भी आपका करंट नहीं हो रहा, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो अब आ जाना है यहाँ पर। पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाली तार है, वो तार आपको देखनी होगी, यहाँ पर ये आ जाती है हमारी तार है, तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेनी है, ठीक है। पीप पे रखकर आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वायरिंग आपको सीधे दिखाई देता हूँ, यहाँ से मैंने खोली हुई है वायरिंग, तो यहाँ से आपको दिखाऊँ पूरी वायरिंग हमारी ये ठीक है, हमारी ये वायरिंग पूरी ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाती है हमारी रेड रंग की तारे वाली, इसको आपको चेक करना होता है, ठीक है। इसको चेक करने के बाद ये तार जाती है हमारी सीधी, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारी जाती है ये वाली तार जाती है हमारी इस स्विच में, ठीक है। और ये दूसरी वाली तार आपको बता देता हूँ कहाँ से, ए वाली आ रही है हमारी, यहाँ से आ रही है ISC में से, यहाँ पर देख सकते हो ISC में से आ रही है हमारे इस लॉक के स्विच में, यहाँ पर देख सकते हो। और ये दूसरी वाली लाल वाली तार हमारी आती है, आपको बता देता हूँ ये वाली लाल वाली तार कहाँ से आ रही है, हमारी लाल वाली तार आती है यहाँ से फ्यूज में से, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, लाल वाली तार यहाँ से फ्यूज में से आती है, यहाँ से 15 एम्पीयर का फ्यूज है, और यहाँ से जाकर यहाँ पर आकर, ठीक है, तो यहाँ पर आकर, यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ से आकर, जो आपको मैं बता रहा था यहाँ पर, यहाँ से आकर, ठीक है, फ्यूज में से आकर यहाँ पर, यहाँ से दो कनेक्शन हो जाते हैं हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हो दो कनेक्शन हो गए, दूसरा यहाँ से आ गया, ठीक है। एक आ गई हमारी ST कॉल की, ठीक है, ST कॉल में, जो कि आपको मैंने बता रहा था यहाँ पर करंट आ रहा है हमारा, जो कि हमारा बैटरी का आता है करंट सीधा यहाँ पर,
एक तार में हमारा सीधा बैटरी का करंट आता है, सॉरी इस लार्वल तार में आता है सीधा बैटरी का करंट आता है सीधा इस तार में, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ पर एस टी कॉल तक हमारा करंट आ रहा है लेकिन आगे से करंट क्यों नहीं जा रहा है, जो कि इसमें बताऊँ सीधा हमारा बैटरी का करंट आ रहा है। अगर आपका इसमें करंट नहीं आ रहा तो आपको ये वायरिंग चेक कर लेनी है, यहाँ से फ्यूज की तार वायरिंग चेक कर लेनी है, ठीक है। ये ज़रूर चेक कर लेना अगर आपकी करंट नहीं आ रहा तो। दूसरी यहाँ से कनेक्शन गया है हमारी तार का, यहाँ से लेकर यहाँ पर गया है इस फ्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ से इसका स्विच भी ऑन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर स्विच ऑन किया मैंने, इसका हॉर्न चल रहा है, इंडिकेटर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है जो कि स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से हमारी तार गई, ठीक है, यहाँ से हमारी तार गई है, ठीक है, लाल वाली तार यहाँ से गई सीधा हमारी लॉक स्विच में, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही हमने स्विच ऑन करेंगे, हमारा यहाँ पर स्विच ऑन है, यहाँ पर 12 वोल्टेज में रहता है हमारा, इसमें करंट आप स्विच ऑन करोगे, स्विच बंद होगा तो भी इसमें 12 वोल्ट रहेगा, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप चाबी ऑन करोगे वैसे इस तार में हमारा 12 वोल्टेज वापस आ जाता है, यहाँ से इसमें 12 वोल्टेज जाता है सीधा यहाँ से, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कहाँ पर थी इसकी प्रॉब्लम। हमारा जैसे स्विच ऑन करेंगे तो वैसे ही हमारी तार यहाँ से जाएगी, एक तार यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से जोल्ट होकर जाएगी हमारी 15 एम्पीयर के फ्यूज में, या 10 एम्पीयर का फ्यूज है इसमें जाएगी, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो सीधी तार आई हुई है, यहाँ से आएगी तार है, ठीक है। तो यहाँ से तार जा रही है, तो ये आती है हमारी 10 एम्पीयर के फ्यूज में, और यहाँ से वापस होकर जाती है, यहाँ से वापस होकर जाती है हमारी तार, यहाँ से वापस होकर जाती है हमारे इसमें कनेक्शन में, ठीक है। ये वाली तार जा रही है हमारी यहाँ पर आईएसी में जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या कनेक्शन होता है, मैंने इसकी वायरिंग सारी चेक कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर सेट को रखता हूँ, यहाँ से सारी वायरिंग चेक की, यहाँ से मैंने इसको तार को खींचा तो यहाँ पर ये तार टूटी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हम चाबी ऑन कर रहे हैं, हमारा हॉर्न चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यहाँ से हमारा इस फ्यूज में भी करंट जा रहा है, पर यहाँ से वापस हमारा जो आईएससी को चाहिए करंट वो हमारा करंट नहीं जा रहा है इसमें आईएससी में, जो कि हमारी जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। जैसे मैं अब आपको इसमें तार कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, आपको बाइक को करंट चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन किया मैंने, भाई एसटी वाले हमारी, ठीक है। मैं इसमें आपको लगा के दिखा देता हूँ, स्विच ऑन है हमारा, पर कल में भी तो यहाँ पर मैं कनेक्शन सारे कर दिए हैं, उसको स्टार्ट करके आपको, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देखिए करंट इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करंट आ चुका है इसमें, बैटरी थोड़ा सा फ्लैक्स और देखिए, तो यहाँ पर करंट आ चुका है, इसको स्टार्ट भी करके आपको मैं दिखा दूँगा। मैकेनिक कहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहा था, जो कि मैकेनिक ने सब कुछ इसमें डाल के देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई सिर्फ एक प्रॉब्लम के कारण हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई, जो कि मेरा भी दिमाग घूम गया था, भाई सब कुछ इसमें ठीक है लेकिन इसमें क्या, मैंने फिर वापस से इसकी वायरिंग पट के द्वारा इसकी वायरिंग निकाल के देखी, उसने भी वायरिंग पट के देखी, सारी खोल के देख ली वायरिंग, तो भी उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मैंने इसमें प्रॉब्लम का छोटा किस तरह से निकाला वो आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से पहले सारी वायरिंग चेक कर ली, तो यहाँ से मैंने वायरिंग को पहले बराबर किया, तो मैंने एक एक तार को खींचा, यहाँ से एक एक तार को इस तरह से आपको खींच सकते हो ज़ोर से, ठीक है, ज़ोर से खींचा तो यहाँ से हमारा एक कनेक्शन अलग था, जो कि यहाँ से यहाँ आपको दिखा दूँ, यहाँ से कनेक्शन अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको वायरिंग को जोड़ा, हमारा करंट आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अगर इस तार में आपका करंट आ रहा है तो आपको समझ लेना सिर्फ इसका बैटरी का ही करंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस तार को ज़रूर चेक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको लाल रंग की तार है, इस तार को ज़रूर चेक करना है, जिससे कि हमारे आईएससी को करंट जाता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे वैसे ही इसमें आईएससी को करंट मिल जाता है, फिर ये सारे जो फंक्शन है सबको करंट देने लग जाता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि भाई यहाँ से हमारे आईएससी को करंट मिलता है,
ठीक है, यहाँ से हमारे IGC को करंट नहीं मिलता, सिर्फ इस तार से हमारे ISG को करंट मिलता है। यहाँ से फिर हमारा सभी वायरों में करंट जाता है, ठीक है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको देता है। फिर आज यहाँ से करंट गया, हमारा काम करने लग जाता ISC, फिर क्या करता है हमारा मैग सिग्नल मिल जाता है हमारे पिकअप कॉइल को, पिकअप कॉइल हमारी सीधी हो जाती है। फिर पिकअप कॉइल क्या करती है, जैसे ही हमारा ये पिस्टन टॉप पे आता है वैसे ही हमारा स्पार्क के लिए स्पार्किंग करने के लिए इग्निशन कॉइल को कनेक्ट सिग्नल देता है। जैसे हमारा पिस्टन टॉप पे गया, पिकअप कॉइल यहाँ पर लगा, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, जब तक यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है ये देखिए, इस पर जब तक यहाँ पर हमारा ISC जब तक नहीं इसमें करंट मिल गया, ISC जब इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको